हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोभी की जायकेदार सब्ज़ी की रेसिपी, और इसे आप दही वाली गोभी भी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले गोभी को कट कर लिया है बड़े बड़े पीसों में। मैंने यहाँ पर ब्रोकली और फूल गोभी दोनों ले ली है, आप चाहें तो कोई एक ले सकते हैं। और इसे अच्छे से वॉश करके मैं इसमें हल्दी और नमक मिला करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ये देखिए, और इसे हम कम से कम 15-20 मिनट रखने के बाद इसे थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे मुझे फ्राई नहीं करना है, आप इसे हल्का फ्राई करेंगे, मतलब आधा पक जाए इतना फ्राई करना है आपको। और एक एक करके हम सारी गोभी को डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, इसे बहुत ज़्यादा हमें क्रंची नहीं करना है। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से पलट लूँगी, उलट पुलट के आप अच्छी तरह से इसे फ्राई कर ले सब जगह से। बहुत क्रिस्पी नहीं करना है, सिर्फ ये थोड़ा सा मतलब पक जाए, और मतलब जो फ्राई हो जाते हैं तो इसके टेस्ट और अच्छे आते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह से मैं सारी गोभी को फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए हमारा जो, बस हमें इतना ही फ्राई करना है, तो मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने निकाल लिया है, मैंने इसे किचन टॉवल पे निकाला है कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इसी तरह से मैं बाकी की सारी पीसेस को फ्राई कर लूँगी। आप अपने सुविधा अनुसार जितनी एक बार में आ सके उतनी डालिएगा, और बहुत ज़्यादा आप तेल मत डालिएगा, नहीं तो आपका तेल ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़े से तेल में इसे फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, और मेरे सारे गोभी जो है, ये देखिए फ्राई होकर तैयार हो गए हैं, कुछ इस तरह से ये दिखेगा। वैसे तो ये बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है, और आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा और क्रिस्पी कर लेंगे तो ये एकदम पकौड़े जैसा ही लगता है। तो ये देखिए, अब मैं इस चलती हूँ आगे की प्रोसेस में। तो मैं सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल डाल लूँगी, और इसे हम गर्म होने देंगे। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी तेल अपने खाने में यूज़ करते हैं आप डाल सकते हैं। और तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, तेज़पत्ता डाल रही हूँ, और आप चाहें तो लाल मिर्च, अगर आप पसंद करते हैं तो लाल मिर्च का भी तड़का इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए, फिर मैं इसमें कटे हुए बारीक प्याज डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम प्याज यूज़ किए हैं, आपको ज़्यादा प्याज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी ब्राउन होने तक, आप चला चला के इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा प्याज है वो अच्छी तरह से भून करके तैयार हो गया है। तो अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी, साथ में मैंने इसमें ग्रीन चिली भी ऐड की है, इसे मैंने अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 20 से 25 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, और 2 मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और यहीं पे मैं इसमें हल्दी ऐड कर लूँगी, इसमें हमें कुछ खास मसाले नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे हल्दी ऐड किया है, और थोड़ा सा नमक आप ऐड कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और इसे मैं अच्छी तरह से पकने दूँगी, इसे आपको तब तक पकाना है जब तक कि इसके किनारों से तेल ना निकल आए। तो ये देखिए, अच्छे से तरह से पकने के बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही यहाँ पर मैंने 250 ग्राम यूज़ किया है अच्छे से फेट करके, और यहाँ पर मैं करीब 10 से 15 ग्राम काली मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर काली मिर्च खड़ी है तो आप इसे कूट करके डाल सकते हैं, वो और अच्छा फ्लेवर देगी, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे पीसी हुई काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ। तो इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप ध्यान रखिए कि आपको फ्लेम जो है वो कम पे ही रखना है, आपको हाई फ्लेम नहीं रखना है यहाँ पर।
और इसी के साथ मैं इसमें गोभी को भी जो हमने फ्राई करके रखे थे उसे हम इसमें मिला लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढक करके पकाएंगे। तो आप इसे ढक के तब तक पकाएं जब तक कि इसका जो सारा पानी है वो सूख न जाए। ये देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में ये आ जाएगा। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।